वेलकम स्टूडेंट क्या कभी आपने सोचा है कि पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं उन्हें उड़ने के लिए वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं नहीं ना तो इन्हीं सब सवालों का जवाब लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेट्स इट so बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन बर्ड्स दैट मींस हाउ द बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई तो पहला ही सवाल ये आता है कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं कैसे वो फ्लाइट कर पाते कर सकते हैं तो क्या ऑर्गन्स हैं राइट जो उन्हें लोकोमोशन करने या फ्लाइट करने में हेल्प करते हैं तो बच्चों जैसा कि लिख के रखा है आप देख रहे हो द ऑर्गन्स दैट हेल्प टू फ्लाई इन द बर्ड्स आर बेसिकली थ्री ऑर्गन्स दैट इज विंग्स फेदर एंड फ्लाइट मसल्स दीज हेल्प वन बाई वन और टूगेदर जब एक साथ वो मिलकर सब कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ जब काम करते हैं तो बर्ड्स को फ्लाई करने में या उड़ने में बहुत ही आसानी होती है या फिर यूँ कहे कि विंग्स फेदर और फ्लाइट मसल्स दीज आर द बेसिक ऑर्गन्स डैट मेक पॉसिबल इन फ्लाई इन बर्ड्स राइट तो समझ में आया सो चलिए हम एक ही करके बात कर लेते हैं कि कैसे विंग्स फेदर और फ्लाइट मसल्स एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं और बर्ड्स में लोकोमोशन होता है यानी बर्ड्स में फ्लाइट होता है चलिए लेट्स स्टार्ट विद द विंग्स सो फर्स्ट ही सवाल आता है कि विंग्स क्या है तो हे इज द डेफिनेशन एज यू सी द विंग्स आर मॉडिफाइड फॉर लिम्स ऑफ द बर्ड्स दैट आर कॉल्ड नथिंग बट विंग्स इसका मतलब क्या हुआ जो बर्ड्स के मॉडिफाइड फॉरलिम जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं मॉडिफाइड होके जिस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उस नए रूप को हम क्या कहते हैं विंग्स कहते हैं राइट right? तो आप जैसे यहां पे देख रहे हैं दिस इज द विंग्स राइट दिस पोर्शन इज कॉल्ड विंग्स तो ये क्या है जो फॉर लिम्स था बर्ड्स का वो मॉडिफाइड होके जिस रूप में कन्वर्ट हो गया है उसको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड विंग्स सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विंग्स राइट चलिए तो फर्स्ट थिंग्स क्लियर है अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ विंग्स यानी विंग्स कौन कौन से चीज़ों से बना हुआ है वाट और ऐसे कह सकते हैं कि वाट आर द कॉम्पोनेंट्स दैट क्रिएट और कंपोज विंग्स इन ए बर्ड्स सो बेसिकली जो विंग्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहा गया है विंग्स को क्यों कहा गया बच्चों इसका कारण ये है कि जो बर्ड्स में जो विंग्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों से बने हुए हैं एज यू सी देर इज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स लाइक बोन्स मसल्स नर्व्स ब्लड वेसल्स एंड फेदर्स सो बहुत सारी चीजों से बने होने के कारण हम विंग्स को कैसा कैसा स्ट्रक्चर कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है सवाल करता है कि आर द कॉम्पोजिशन ऑफ विंग्स सो बेसिकली यू कैन से बोन्स आर कंपोज ऑफ बोन्स मसल्स नर्व्स ब्लड वेसल्स एंड फेदर क्लियर तो मुझे लगता है कि आपको कंपोजिशन भी विंग्स का समझ में आया होगा चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की कि वाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ विंग्स तो विंग्स का क्या फंक्शन है पढ़ लेते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट द विंग्स आर एक्सपैंडेड एंड फ्लैप्ड राइट right? तो जब आप देखते हो जब फ्लाइट करते हैं राइट तो इनका ये जो पंख है ऐसे नहीं रहता ये फैल जाता है इस तरह से राइट यानी एक्सपैंड होता है तो पहला चीज़ हो गया एक्सपैंड होता है और दूसरा चीज़ फ्लैप्ड फ्लैप्ड मतलब एक प्रोसेस ये नीचे की तरफ जाता है और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसको क्या कहते हैं फ्लैप्ड कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो एक्सपेंशन होता है और ये फ्लैप्ड जो होता है ये दोनों प्रोसेस होता है किसके थ्रू एक मसल्स है जिसे हम कहते हैं फ्लाइट मसल्स तो फ्लाइट मसल्स के हेल्प से ये जो विंग्स हैं ये क्या करते हैं एक्सपैंड होते हैं और फ्लैप्ड होते हैं जिसे उड़ने में फ्लाइट करने में पक्षियों को मदद मिलती है राइट और जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो जैसे कि आप देख रहे हो फोल्डिंग कंडीशन में ऑन द बॉडी बॉडी पे कैसे लाई करके है ना एकदम एक्सपैंड नहीं है फ्लैप नहीं है तो यही बेसिक फंक्शन है राइट तो दैट इज वी कंक्लूडेड दैट वट इज द डेफिनेशन ऑफ विंग्स वट आर द कम्पोजिशन ऑफ विंग्स एंड वाट आर द फंक्शंस ऑफ द विंग्स तो ये पहला टॉपिक जो था पहला ऑर्गन जो था या पहला जो पार्ट था विंग्स उसके बारे में ये सारी चीज़ें डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेदर तो फेदर के बारे में जान लेते हैं सजूसी व्हाट इज फेदर तो फेदर आर मेड अप ऑफ कैरोटीन तो फेदर किससे बने होते हैं कैरोटीन से बने होते हैं किससे बने होते हैं बच्चों कैरोटीन से बने होते हैं राइट right? वो कैरोटीन जो हमारे हेयर में पाए जाते हैं हमारे बालों में होते हैं हमारे फिंगर नेल्स मतलब नाखून में पाए जाते हैं ठीक है तो वही कैरोटीन हमें फेदर्स में भी देखने को मिलता है यानी फेदर्स बने हुए किससे कैरोटीन नामक एक, एक एलिमेंट से तत्व से बने हुए हैं जो हमारे हेयर्स और फिंगर नेल्स में पाए जाते हैं बट वी आर हेयर और फिंगर नेल्स के बारे में हम ज्यादा जानते हैं बट फेदर के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है तो आज हम डिटेल्स में बात करेंगे फेदर्स के बारे में और आपको एक इलिस्ट्रेशन देंगे जिससे आपको इस इलिस्ट्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि फेदर क्या है और इसके क्या क्या पार्ट से ये बने हुए हैं सो so लेट स्टार्ट ट आर द कंपोजिशन ऑफ फेदर्स इन द नेक्स्ट स्लाइड एज यू सी सो ये जो आपको दिख रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर एज यू सी द लीफ लाइक स्ट्रक्चर दट इज नथिंग दैट इज कॉल्ड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नथिंग कॉल्ड फेदर अंडरस्टूड तो फेदर आपको समझ में आया फेदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कम्पोज ऑफ वट कंपोज ऑफ वेन composed of what composed of vein shaft or raquis barbels barb or rams चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वेन फेदर में फेदर जो बना हुआ है वो वेन पार्ट से बना हुआ है यानी वेन ये जो पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं वेन इसीलिए मैंने ये देखिए टिक करके रखा है तो पूरा जो पोर्शन है लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर जो है वो ब्रॉड फ्लैट एन एरिया जो आपको दिख रहा है ये पूरा वेन क्या लाता है राइट तो पहला चीज समझ में आया दूसरा चीज आप देख लीजिए ये सेफ्ट या रेचिस आर एस एच आई लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ते हैं रेकिस ओके वट डू वी स्टडी वी, वी प्रोनाउंस रेकिस सो so, फ्ट या रेकिस जो है देखिए ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है साफ्ट और रेकिस तो ये जो मिडिल पोर्शन बीच से ये जो वाला गया है ठीक है मिडिल पोर्शन में एकदम फेदर के एकदम बीचों बीच से जो गया है सिलेंडर है और एकदम सेंट्रल पोजिशन को जो मेंटेन करता है उसको हम क्या कहते हैं साफ्ट या फिर रेकिस कहते हैं ठीक है ठेके? आगे देख लीजिए तो रेकिस से या फिर साफ्ट से जो निकला हुआ ये जो पार्ट दिख रहा है आपको राइट दैट इज कॉल्ड बार्ब्स ओके okay? और बार्ब से ये जो ब्लू कलर का ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है ऐसे ठीक है तो वो क्या कहते हैं बार्बल्स कहलाते हैं तो आई होप आपको ये आ, चीज़ समझ में आया कि ये सारे चीज़ मिलके वेन सैफ्ट बार्ब्स और बार्बल्स मिलके क्या, क्या क्रिएट करते हैं दैट इज मेकअप ऑफ व्हाट इज फेदर राइट फेदर दैट इज मेक व्हाट डज इट मेक फेदर ओके चलिए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है मैंने डेफिनेशन सारा लिख के रखा है आप लोगों के लिए आप लोग देख लीजिए दैट इज द डेफिनेशन तो पहला चीज आपको दिख रहा है वेन वट इज द डेफिनेशन ऑफ वेन सो हैव रिटेन सो वेन इन द फेदर अ फ्लैट यूजली कर्व सरफेस एरिया इज कॉल्ड वेन तो हमने देखा था ठीक है कि जो फेदर लाइक फेदर में जो फैट फ्लैट मतलब फ्लैट एकदम फ्लैट इन यूजली कर्व सर्फेस एरिया जो कहलाता है वो क्या होता है वेन होता है दैट मीन्स ये वाला ये वाला जो पार्ट था दैट इज वेन सॉरी दैट इज कॉल्ड वेन ये वाला पार्ट ओके okay? साफ्ट और रैचिस क्या होता है मेडल पोर्शन से जो गया है उसे हम रेकिस या Uh, क्या कहते हैं साफ्ट कहते हैं तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हाउ वी डिफाइन द साफ्ट द लॉन्ग सिलेंडर सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेदर दैट होल्ड द द ऑफ इज कॉल्ड साफ्ट राइट ये साफ्ट जो पकड़ा हुआ है यानी ये साफ्ट से ही क्या है पूरा ये वेन बना हुआ है राइट right? तो इसको हम सैफ्ट या रैकिस के नाम से जाते हैं फिर आता है बार्ब्स या फिर इसका दूसरा नाम है रैम्स सो रैम्स द स्ट्रक्चर हाउ वी डिफाइन द स्ट्रक्चर दैट ग्रो आउट ऑफ द सेफ्ट एंड कलेक्टिवली मेकअप द वेन ऑफ द फेदर इज कॉल्ड बाब्स और रैम्स पिछले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो पार्ट था इसी चीज़ के लिए इसी चीज के लिए मैंने दिखाया था पीछे आपको ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट था और यहाँ से ये जो रैचेस निकले हैं तो ये वाला पार्ट ठीक है तो ये वाला पार्ट तो क्या होता है ये वाला पार्ट राइट ये वाला पार्ट बारबिया रैम्स कहलाता है राइट right? आप पीछे देख लोगे तो पता चल जाएगा जैसे देखो ये वाला मैंने कहा था ना बा ठीक है तो समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप वीडियो को देखते रहिए आपको समझ में आएगा स्लाइड के साथ मिला के देखिएगा मैं डेफिनेशन लिख दिया हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर भी अगर यू फा, यू, फा, यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन इन बॉक्स में आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट तो चलिए और एक पार्ट बचा हुआ बचा हुआ फेदर का उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो बार्बल्स वट इज़ बारबल्स द माइन्यूट फिलामेंट प्रोजेक्शन फ्रॉम द बार्ब्स ऑफ अ फेदर इज कॉल्ड बार्बुल्स तो आपने देखा होगा एक फिलाेंट लाइक स्ट्रक्चर मैंने फिगर में ब्लू कलर का दिया था एक फिल्मेंट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोजेक्शन निकलता है बार्ब से ठीक है जो बार्ब से एक फिलाेंटस लाइक प्रोजेक्शन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं बार्बुल्स क्या कहते हैं तो यही बार्बुल्स और जो हम लोग बाब पढ़ रहे थे यही पूरा क्या करता है पूरे वेन को कंस्ट्रक्ट करता है बनाता है राइट right? तो आई होप आपको ये पार्ट्स जो फेदर के जो डिफरेंट पार्ट्स थे जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी थे मैंने उसे एक्सप्लेन किया आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा राइट right? तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा ऑर्गन था फ्लाइट करने में हेल्प करता है दैट इज फेदर उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ये सब हमने क्या पढ़ा ये सब हमने पढ़ा कि वॉट द कॉम्पोजिशन ऑफ फेदर फेदर किससे बना हुआ है ठीक है और उसका सारा चीज मैंने आपको विजुलाइज कर दिया तो आप एक बार देख सकते हो ठीक है तो ये है ये ही था ये था पूरा फेदर राइट अगर आपको याद होगा ये वाला पूरा फेदर है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बने हैं किससे फेदर इज कम्पोज ऑफ वेन सेफ्ट और रेकिस बाब्स और रैम्स एंड बाबल्स राइट आई होप आपको अब समझ में आया आ गया होगा चलिए तो अब डिफाइन करेंगे कि फेदर का डेफिनेशन क्या है ये क्या था कंपोजिशन था यानी फेदर किस चीज से बना हुआ है चलिए अब बात कर लेते हैं इसका डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है सबका जैसे अभी एक्सप्लेन किया आपको और अब बात करते हैं कि व्हाट इज फेदर तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाट इज फेदर आई हैव रिटन हियर सो हाउ वी डिफाइन फेदर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वेन्स बार्ब्स एंड बर्डल्स आर कॉल्ड फेदर ऑफ द बर्ड्स सिंपल बात है देखिए फेदर क्या हो गया जो जो लीफ लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो वेन से बना हुआ है ठीक है ध्यान दें वेन से बना हुआ है बार्ब से बना हुआ है और बारबुल से बना हुआ है तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो वेन बार्ब्स और बारबुल्स से बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं फेदर ऑफ बर्ड्स के नाम से हम डिफाइन करते हैं राइट तो देखिए अब यह आपको समझना बहुत ही आसान हो गया कि वट इज फेदर है ना बहुत आसानी तरीके से आए क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि वेन क्या है बार्ब क्या है और बारबुल्स क्या है अगर मैं आपको पहले डिफाइन करता तो आपको समझने में दिक्कत होगी इसीलिए मैंने पार्ट्स को पहले उसके टर्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया ताकि आपको फेदर समझने में जब ये टर्म्स आए तो आपको फेदर का डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत ना हो राइट right, बच्चों चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं तो हमने पढ़ लिया कि डेफिनेशन ऑफ फेदर क्या होता है अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फेदर यस फेदर्स के टाइप भी होते हैं अब आप सोचते हो कि फेदर्स के टाइप होते हैं हाँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन बॉडी पे वो कहाँ पे हैं ठीक है किसी भी पक्षी या बर्ड्स के बर्ड्स के बॉडी में वो कहाँ पे हैं अगर मान लो तेल में है तो उसका दूसरा नाम है

डिफाइन कर लेते हैं कि रेमिजेस और रेस्ट्रिक्श क्या है हाउ वी डिफाइन इट तो फर्स्ट रेमिजेस तो द बिग साइज फेदर ऑन द विंग्स आर कॉल्ड रेमिजेस तो ये देखिए दैट इज विंग्स है ना ये वाला विंग्स है तो इसमें जो बिग साइज फेदर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं रेमिजेस कहते हैं एंड

रेमिजिस और रेस्टिड्स बोथ आर बिग साइज फेदर बोथ आर बिग साइज फेदर बट देयर साइज इज सेम बट देर लोकेशन इज डिफरेंट ओके द रेमिजिज इज प्रेजेंट ऑन द विंग्स ऑफ द बर्ड वेर एज द रेस्ट रेस्ट इज प्रेजेंट ऑन द टेल ऑफ द बॉडी राइट आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर समझ में आया होगा ठीक है तो यहाँ से आपको अगर पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेमेजेस एंड रेस्ट्रिकस तो आई होप आप यहाँ से भी बना सकते हो कि डिफरेंसेस क्या है रेमेजिस का और एक आपको मिलेगा इसके बाद ये डिफरेंसेस आप कर सकते हो और अगले आ, स्लाइड में आप देखो कि उसका क्या फंक्शन भी अलग अलग है ठीक है रेमेजिस क्या फंक्शन करता है और रेस्ट्रिकस क्या फंक्शन करता है तो बेसिकली आपको डिफरेंसेस समझ में आए होंगे यहाँ पे आपने क्या देखा एक डिफरेंसेस देखने को मिला आपको कि विंग्स जो रेमिजेस हैं वो विंग्स पे पाए जाते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन विंग्स एंड रेस्ट इज आर प्रेजेंट ऑन टेल तो दैट इज द मेन डिफरेंस ओके सो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे इस स्लाइड में हमने फेदर के बारे में डिस्कस किया डिफाइन किया वट इज फेदर उसके बाद टाइप्स ऑफ फेदर इसके बारे में डिस्कस किया कितने तरह के हैं तो जितने तरह के थे उसके एक्सप्रेशन या उसके डेफिनेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो आई होप आपको ये सेकेंड पार्ट था ठीक है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी थोड़ी बहुत क्यों क्योंकि अभी फंक्शन बाकी है फेदर का फंक्शन बाकी है तो आई होप आपको ये फेदर टाइप ऑफ फेदर टाइप समझ में आया होगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ फेदर तो जान लेते हैं बहुत ही आसान फंक्शन होता है फेदर का लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फेदर्स राइट right? तो स्टार्ट विद द फर्स्ट फर्स्ट वन एज यू सी फर्स्ट वन से इज दैट द फेदर्स ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द विंग्स एंड दस हेल्प इन द फ्लाइट तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो है फेदर्स विंग्स पर पाए जाते हैं और वो क्या कर देते हैं विंग्स पर पाए जाने की वजह से जो विंग्स का जो सर्फेस एरिया है वो बड़ा कर देता है राइट right? तो विंग्स का सरफेस एरिया बड़ा हो जाने से क्या होता है आ, फ्लैपिंग करने में आसानी होती है राइट right? यानी अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक करने में आसानी होती है ठीक है तो इस तरह से जब आसानी होती है तो उड़ने में भी आसानी होती है तो पहला फंक्शन यही होता है राइट दे हेल्प इन द इंक्रीज अगर सर सॉरी विंग्स के जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देता है विंग्स के जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है जिससे फ्लाइट या उड़ने में आसानी होती है राइट सो दैट इज़ द फस्ट फर्स्ट फंक्शन ऑफ फेदर्स चलिए सेकेंड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो सेकेंड फंक्शन में आया था जो मैंने पिछले आ, पिछले साल में डिस्कस किया था कि डिफरेंसेस मिल जाएंगे यहाँ पे तो रेमिजिस के अलग फंक्शन है रेमिजिस फेदर के और रेस्टिस के अलग फंक्शन है तो देख लेते हैं क्या फंक्शन है रेमिजस फेदर प्रेजेंट ऑन द विंग्स ये तो हम जानते हैं एंड हेल्प इन द फ्लैपिंग द विंग्स विंग्स को क्या किसमें हेल्प करता है फ्लैपिंग फ्लैपिंग मैंने अभी बताया अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक इसको बोलते हैं फ्लैप फ्लैपिंग तो ये फ्लैपिंग करने में हेल्प करता है रेमिजस एंड जो है प्रेजेंट ऑन द टेल हेल्प द स्टेयरिंग ड्यूरिंग द फ्लाइट स्टेयरिंग करने में हेल्प करता है यानी डायरेक्शन चेंज करने में जैसे पिछले बार हम लोग पढ़े थे फिन जो था फिश में है ना वो भी डायरेक्शन चेंज करता था यहाँ भी जो रेस्ट रेस्ट्रिस जो फेदर्स हैं वो भी फिन की तरह काम करता है मतलब एज ए स्टेयरिंग आपको जिधर जाना है उधर आप स्टेयर कर सकते हो तो उसी तरह से अगर पक्षियों को दिशा चेंज करना है लेफ्ट टू तो राइट और राइट टू तो लेफ्ट ठीक है तो वो किसके हेल्प से करते हैं दैट इज रेस्टिसाइड्स फेदर्स सो so, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस मिल गया दूसरा डिफरेंसेस चलिए तो अब हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन की व्हाट इज अ थर्ड फंक्शन ऑफ फेदर तो दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर यस बच्चों उनके बॉडी को टेम, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है देखिए हमारे पास क्या है हमारे पास uh, um, जब गर्मी का मौसम रहता है या समर सीजन रहता है तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने अपने आप को एकोमोडेट करते हैं राइट लाइक अगर गर्मी लग रही है तो फैन ऑन कर देते हैं ए सी ऑन कर देते हैं कूलर ऑन कर देते हैं बट दे डोंट हैव राइट सिमिलरली जब ठंडे का मौसम रहता है तो हमें गर्मी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम स्वेटर पहनते हैं या कोई ऊनी कपड़ा गर्म कपड़ा पहनते हैं या फिर घरों में रहते हैं तो हम ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लेते हैं जिससे हमें सर्दी ना लगे लेकिन ऐसे सब साधन ठीक है उनके पास यानी बर्ड्स के पास नहीं है ठीक है तो तो भी वो जिंदा रहते हैं कारण क्या है कारण ये है कि उनके उनके ऊपर फेदर पाया जाता है राइट और ये फेदर क्या करता है जब सराउंडिंग में जैसा वेदर रहता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को मैंटेन करता है राइट मान लो जैसे बाहर बहुत गर्मी है या गर्मी का मौसम है तब उनका फेदर क्या करेगा बॉडी के टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर देगा ताकि गर्मी देखो डिफरेंसेस कब पता चलेगा ना गर्मी कब क्यों लगती है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है अब बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से हम अगर मेंटेन कर देते हैं यानी इक्वल कर देते हैं तो हमें गर्मी या फिर सर्दी महसूस नहीं होगी तो ऐसा काम ठीक है ऐसा काम कौन करता है फेदर करता है बर्ड्स के लिए और इसीलिए इसको क्या कहा गया है थर्मो रेगुलेशन कहा गया तो क्या थर्मो रेगुलेशन क्या है अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मो रेगुलेशन सो

है ना तो भीगने से बचने के लिए आप छाता यूज करते हो या फिर रोन रेनकोट यूज़ करते हो ताकि बारिश की बूंदें हमें भींगा ना पाए राइट तो इसी तरह से वो क्या करते हैं उनका फेदर जो है वो रेनकोट की तरह होता है यानी वाटरप्रूफ होता है पानी गिरने से भी या पानी लगने से भी उनके बॉडी को बॉडी भींगता नहीं है शॉप नहीं करता है राइट सो आई होप आपको फेदर के फंक्शंस या फंक्शन ऑफ आप फेदर आपको समझ में आया होगा बच्चों तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा आ, स्लाइड है यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं जो तीसरा टॉपिक था टॉपिक मींस पार्ट जो तीसरा पार्ट था वो फ्लाइट मसल्स था तो फ्लाइट मसल्स, तो मसल्स भी हेल्प करते हैं कैसे हेल्प करते हैं वो बाद में जानते हैं लेकिन पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्लाइट मसल्स सो हाउ वी डिफाइन फ्लाइट मसल्स एज यू सी फ्लाइट मसल्स सम इम्पॉर्टेंट मसल्स इन द बॉडी ऑफ द बर्ड्स आर वेरी स्ट्रोंग एंड फ्लैपिंग द विंग्स नोन एज फ्लाइट मसल्स ध्यान देंगे बच्चों मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्लाइट मसल्स क्या है सम इम्पॉर्टेंट मसल्स इन द बॉडी ऑफ द बर्ड्स बहुत सारे मसल्स पाए जाते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट मसल होते हैं ठीक है सब मसल्स नहीं कुछ इम्पॉर्टेंट मसल्स की बात हो रही है जो बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं और हेल्प करते हैं विंग्स को किस में फ्लैपिंग करने में ठीक है ऐसे मसल को हम क्या कहते हैं फ्लाइट मसल्स कहते हैं क्या हुआ इसका मतलब कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और फ्लैपिंग विंग्स के फ्लैपिंग में हेल्प करते हैं उसे हम क्या कहते हैं फ्लाइट मसल्स कहते हैं समझ में आया क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन यस तो इनके भी टाइप होते हैं जैसे हमने पढ़ा था फेदर के टाइप होते हैं वैसे फ्लाइट मसल्स के भी टाइप होते हैं तो हम टाइप के बारे में बात करते हैं और इसके डेफिनेशन सॉरी uh, uh, के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज यू सी देर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फ्लाइट सेकेंड वन माइनर एंड द थर्ड वन इज वेरी डिफिकल्ट कोरास वर्ड वि कोरा को ट्रोकोलियस तो बेसिकली दीज आर द थ्री फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट इन बर्ड्स बेसिकली इन पीजन हम पीजन की बात कर रहे हैं तो ये तीन फ्लाइट मसल्स हमें आ, देखने को मिलते हैं ठीक है अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर द फ्लाइट नेम द फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट इन द बर्ड्स और पीजन तो ये आप तीन आप इसका नाम दो दोगे राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं इनके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं मेजर क्या उड़ते है? है? मतलब है, रहते हैं राइट तो ये विंग्स नीचे की तरफ आते, आते हैं ना एक बार ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जो आते हैं ठीक है ऐसे नीचे की तरफ जब आते हैं यानी उसको हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं तो विंग्स का जब डाउन स्ट्रोक करता है वो पेक्ट्रोल मेजर फ्लाइट मसल्स के हेल्प से होता है ठीक इसका ऑपोजिट क्या होता है ऑपोजिट जब होता है पेक्ट्रॉल्स माइनर वो क्या करते हैं जब ये ऊपर उठ जाते हैं तो फिर ये सॉरी नीचे जब आ जाते हैं तो इनके ऊपर भी जाना होता है तो ये ये ऊपर जब जाते हैं तो एलिवेटिंग इसको बोला गया एलिवेटिंग विंग्स विंग्स को एकदम ऊंचाई तक सबसे ऊंचा मतलब अप स्ट्रोक ठीक है अप स्ट्रोक करने में हेल्प करता है तो हमने क्या देखा ठीक है पिक्ट्रॉल्स क्या करते हैं डाउन डाउनवर्ड की तरफ लाते हैं नीचे की तरफ राइट ये पिक्ट्रल हो गया और पिक्ट्रोल मेजर हो गया और पिक्च्रल माइनर जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं मतलब एक डाउन स्ट्रोक और एक अप स्ट्रोक समझ में आया तो अगर पिकचुअल मेजर या पिक्चुअल माइनस फ्लाइट मसल्स नहीं रहेंगे तो बर्ड्स में जो डाउन स्ट्रोक या अपवर्ड जो फ्लैपिंग होता है ठीक है वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगे और पक्षी भी फ्लैप नहीं कर पाएंगे यानी अपस्ट्रोक और डाउनस्ट्रोक नहीं दे सकेंगे जिससे वो उड़ भी नहीं पाएंगे सो so, इसीलिए ये दो फ्लाइट मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद थर्ड वन जो है वो है जैसे मैंने बताया था अभी कोराको क्रोकोलियस तो क्रोकोकोलियस सॉरी कोराको क्रोकोलियस क्या करता है हेल्पिंग डिप्रेसिंग विंग्स विंग्स को डिप्रेस करने में हेल्प करता है सो दैट इज हमने बात किया द डिफरेंट फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट इन बर्ड्स सो फ्लाइट मसल्स और उनके डेफिनेशन के बारे में फ्लाइट मसल्स और उनके टाइप्स और फंक्शंस के बारे में हमने बात किया तो बेसिकली आज हम क्या सीखे आज हमने सीखा कि, कि किस तरह से बर्ड्स में बेसिकली पीजन में फ्लाइट होता है और कौन कौन से Uh, वो ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं ठीक है उनके बारे में डिटेल में जाना आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये इनबॉक्स कर सकते हैं ठीक है तो हम डेफिनेटली आपको आंसर देंगे और आपसे यही मैं uh, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह वीडियो को देखते रहिए और नए नए वीडियो आ रहे हैं उसको देखते रहिए और इतना टाइम देने के लिए और देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर then bye bye